हेलो, गुड इवनिंग। मैं मानसी वसानी, एक मेकअप आर्टिस्ट एंड सलोन ओनर। मैंने 1995 के अंदर खुद का सलोन ओपन किया था एंड 1992 से ब्यूटी की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था। तब से लेके आज तक 30+ ईयर्स हो गए। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री के इतने सारे अप डाउन देखे हैं, बट लास्ट लॉकडाउन के बाद का जो सीनारियो है वो बहुत ही हॉरिबल है। मीन्स हमने तो अपने टाइम के अंदर राजा की तरह काम किया, बहुत सारा अर्निंग किया, हमारे सारे ड्रीम पूरे किए, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी उससे कई गुना हमने अर्निंग किया। बट मुझे जो भी चिंता हो रही है वो अभी जो भी नए हैं, जो अभी ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर 2-5 साल से हैं, तो उन लोगों के साथ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। बहुत मीन्स आप सोचो तो उनको, अगर उनके पास उनको सीखने भी जाना है तो फीस उनको लाखों में देनी है, फिर सलून ओपन करना है तो एलिवेशन एकदम हाई फाई चाहिए, क्योंकि आजू बाजू के सलून एकदम हाई फाई है, तो उसको कंपटीशन में खुद के सलून के अंदर इंटीरियर में इतना पैसा डालना पड़ेगा। स्टाफ की सैलरी इतनी हाई हो गई, अच्छी स्किल वाले स्टाफ लेने जाओ तो हाई पे करना पड़ेगा। अगर लोअर रेट में आपको स्टाफ चाहिए तो उनके पास स्किल अच्छी नहीं है। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, और ये तो कुछ भी नहीं है, उससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सलून ओनर के लिए ये है कि फ्रीलांसर के लिए सलून वाले तो जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर है, इतने लोग हैं और इतनी कंपटीशन है, तो ये सबसे बाहर आके आप खुद को इस तरह से डेवलप करो कि आपको वो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। कंपटीशन तो सब जगह पे रहेगी, कंपटीशन कहाँ नहीं है, हर एक जगह पे है, पर कंपटीशन में से कोई कोई लोग बाहर आ जाता है, कोई कोई उसी में दम छोड़ देता है, मीन्स छोड़ देता है, फील्ड छोड़ देता है कि नहीं यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से रेंट भी नहीं निकल रहा है, मेरे से स्टाफ की सैलरी नहीं निकल रही है। अरे सब कुछ निकलता है, आपको निकलना नहीं आता है, आप ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप नहीं किया, अगर आपने समय के साथ खुद में चेंजेस नहीं लाया, अगर आपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको डेफिनेटली जो सिस्टम आगे जाके आने वाली है उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा, अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अर्निंग कर पाओगे। और मैं मानसी वसानी एक मिशन पे निकली हूँ, 21,000+ मेरे इंडस्ट्री के लोग, ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों को मुझे आगे लेके जाना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो लोग अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। ये नहीं है कि उनको मेकअप की स्किल को डेवलप करना है या हेयर की स्किल को डेवलप करना है। देखो स्किल सबके पास है, बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हो, पर क्या आप एक बार सोचो कि आप जो कर रहे हो उतना रिटर्न आपको मिल रहा है, आपकी अपेक्षा है उतना रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो, आप जितना अच्छा करते हो उतनी अच्छी टिकट साइज आप रख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि लोग कॉम्बो ऑफर दे रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं। अभी ये कंपटीशन के अंदर खुद को सर्वाइव कैसे करना, खुद का जो बिजनेस है उसको एक अच्छे लेवल पे कैसे लेके जाना, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी। बट सिर्फ ब्यूटी स्किल के साथ नहीं, ब्यूटी स्किल तो आपके पास है, बट उसके अंदर ब्रेन कैसे ऐड करते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, मेरा सिर्फ यही टॉपिक रहेगा कि आपके पास जो भी आपकी स्किल है उसको डेवलप कैसे करें और फिर उसको ऑनलाइन कैसे लेके जाए। अगर आप उसको ऑनलाइन नहीं लेके जाओगे तो आपका बिजनेस भी नोकिया फ़ोन की तरह दिखना बंद हो जाएगा और उसकी जगह एप्पल ले लेगा, सैमसंग ले लेगा, ओप्पो ले लेगा। तो बेटर है कि आप खुद को सर्वाइव कराओ और परेशान ना हो, अपनी स्किल को डेवलप करो। स्किल को डेवलप करके आप डेफिनेटली जो चाहोगे वो कर पाओगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो नीचे दी गई हुई लिंक के अंदर जॉइंट हो जाए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो बाय, मिलते हैं।